हमारे पास आ गई, ये हमारे ग्रुप वाइज जो स्टडी होती है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे भी प्रैक्टिस क्लास है। अच्छा। जैसे कि अगर वन ग्रुप है, टू है, थ्री है, स्टूडेंट्स आते हैं ग्रुप वाइज, इधर आके टीचर इधर आके उनको प्रैक्टिस करवाता है। बाकी जैसे स्केल्टन वगैरह है यहाँ सामने रख के अनाटमी की क्लास है, जिस चीज़ की भी उस पर प्रैक्टिकल वर्क टोटल करवाया जाता है। ये इसके लिए सेपरेट क्लास बनाई गई है, लिफ्ट लगाई हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक दूसरी साइड पे, एक इस साइड पे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना बने। तो ये हम फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं, ये बिल्कुल हमारे आगे जाएंगे तो ऑफिस है यहाँ पे, ये ऊपर क्लासेस वगैरह भी हैं। और ये हमारे यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, और इनका ऑफिस मौजूद है, आ जाएँ आपसे उनसे भी मिलवाते हैं। ये डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हैं, ये यूनिवर्सिटी डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। ये इनका ऑफिस है, टोटल मामलात वगैरह डॉक्टर शाहिद नदीम साहब देखते हैं। कैसा लगा है आपने सारा विजिट किया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके साथ गुलाब खान। जैसे कि आप सबको पता है, हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप सबके सामने लाए हैं। इस तरह आर्मी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बहुत से सुने थे कि ये दो कमरों वाली यूनिवर्सिटी है, इस तरह इस तरह। अब जब हम आ गए और यूनिवर्सिटी की विज़िट की तो वो क्या कहते हैं, एकदम ख्याल बदल गए। मेरे साथ दोस्त थे, वो भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये आर्मी यूनिवर्सिटी है। तो खैर, मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, और मेरे साथ डॉक्टर शाहिद नदीम साहब बैठा है, इनसे भी बातें करेंगे इस यूनिवर्सिटी के हवाले से कि इस यूनिवर्सिटी में किस किस कंट्री से टीचर्स है, कौन कौन सी कंट्री से स्टूडेंट्स है, और इसके एग्रीडेशन के हवाले से बात करेंगे, पीएमसी के हवाले से बात करेंगे, IAAR के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, इनसे बात करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह और भी यूनिवर्सिटी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सब जानते हैं, माय नेम इज़ डॉक्टर शाहिद नदीम। बेसिकली आई एम हेड ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच गुलाब भाई, आप यहाँ पे आए और आपने वीडियोग्राफी की, सारी यूनिवर्सिटी आपने विज़िट की, और जिस तरह से आपके एक्सप्रेशंस हैं अबाउट आवर यूनिवर्सिटी, आपके पहले फीलिंग्स क्या थी, आप क्या फीलिंग्स हैं आपने एक्सप्लेन की, सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे नंबर के ऊपर, जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, मैं अक्सर आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूं, अक्सर मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूं सोशल मीडिया के ऊपर। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक नेक काज कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और आपको अपने मकसद में कामयाब करें। जी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एक्रेडिटेशन, वो बताएं क्या क्वेश्चंस हैं, देन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू। सर जी, मेरे पर क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्सिटी के हवाले से कौन कौन सी कंट्री से इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास फ़िलहाल तीन नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तानी हैं, उसके बाद इंडियंस, और उसके बाद बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट ईयर से हमने अपना 6 ईयर्स MD प्रोग्राम जो है वो भी रजिस्टर्ड करवा लिया है। लोकल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, किर्गिज़ स्टूडेंट्स, उज़्बेक स्टूडेंट्स, कज़ाक, जो हमारी स्टेट्स हैं आसपास, इनके स्टूडेंट्स भी हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उनकी भी फैकल्टी हमने हायर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, डे बाई डे उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बेसिकली लोकल किर्गिज सारे वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर जी, टीचर्स के हवाले से कौन कौन से कंट्री से टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स को कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? फैकल्टी देखें, ज़्यादातर जो फैकल्टी है हमारे पास, जैसा कि किर्गिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है, लोकल फैकल्टी किर्गिस डेफिनेटली वही हैं। उनमें से हाईली क्वालिफाइड हमारे पास PhD डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ज़्यादातर वो डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं जो पहले दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एज़ यूजुअल हमने पाकिस्तानी फैकल्टी हायर की हुई है, वो PMC की, NLE की कोचिंग क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को। तो बाकी इंडियन बच्चों के लिए हमने इंडियन फैकल्टी हायर की हुई है। फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर टीचर्स, अभी हमारे पास स्टूडेंट्स ही बांग्लादेश से एक दो हैं, सो इंशाल्लाह जैसे ही उनका भी हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर इंक्रीज होगा, हम वहाँ की फैकल्टी भी हायर करेंगे इंशाल्लाह। और सर जी, PMC लिस्ट के हवाले से अगर मैं कहूँ, IAAR एक्रेडिटेशन हो गए, इस तरह WHO लिस्ट में हो गए, और ECFMG जो हो गए,
इसके हवाले से अगर आप हमें इन्फॉर्म कर दें। रिगार्डिंग पीएमसी लिस्ट, जैसा कि आपको पता है किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं पता था कि पीएमसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं ECFMG उसके बाद IAAR की, तो हमने अपनी ECFMG की एक्रेडिटेशन अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रॉमिस किया था कि हम 15 सितंबर को लेंगे, लेकिन हमारी जो एक्रेडिटेशन है वो उससे पहले 20-25 दिन पहले ही हमें मिल गई थी ना। तो ऐसे ही हमने पिछले दिनों में IAAR की टीम भी आई थी हमारे पास, वो भी असेस करके गए हैं, यूनिवर्सिटी विजिट करके गए हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months हम IAAR की एक्रेडिटेशन भी ले लेंगे। तो बेसिकली फ़िलहाल हमारी यूनिवर्सिटी सी लिस्ट के अंदर है, लेकिन करंट स्टेटस हमारा बी है क्योंकि हमने ECFMG ले लिया है। अकॉर्डिंग टू PMC उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी ECFMG लेगी वो बी में हम उसे अपडेट करेंगे। तो अभी हमने PMC से कॉन्टैक्ट किया है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान बिश्केक ने भी ईमेल लिखी है रिगार्डिंग आवर यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर एंड इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का अपने अल्लाह से भी बड़ा पुरुमीद हूँ, आने वाले 10 से 15 दिन में यूनिवर्सिटी आप बी लिस्ट में आपको नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप हमारी एक्रेडिटेशंस का पूछें तो हमारी एक्रेडिटेशंस WHO से एक्रेडिटेशन है यूनिवर्सिटी की, ECFMG से है, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल से है, कैनेडियन काउंसिल से है, बांग्लादेशी मेडिकल काउंसिल से है, MCI से है। हमारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जाके UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, बिकॉज हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने ECFMG लिया है। वो प्लेब भी दे सकते हैं, वो USMLE भी दे सकते हैं, दुनिया का कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो रिगार्डिंग PMC लिस्ट, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कोई भी है वो हर यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह एक दिन किर्गिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियां अपने क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी, मैं पूरी उम्मीद हूँ। सारी मैनेजमेंट जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ट्राई कर रही हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं, इसके ऊपर काम कर रही हैं, बिकॉज ये किसी एक स्टूडेंट का मामला नहीं है, ये बहुत सारे ख़ानदान और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स का करियर होता है। यूनिवर्सिटी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं PMC के, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनके ऊपर पूरा उतरेंगे। और सर जी, उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे, जिस तरह ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए उन्होंने उज़्बेकिस्तान माइग्रेशन की ना, माइग्रेशन इस तरह कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं ज़्यादा स्टूडेंट, जज्बात में आगे हो क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी आगे नहीं जा सकती, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे जो और यूनिवर्सिटी में जाके और फिर वो भी PMC की लिस्ट में सी या लिस्ट से भी निकाली जाती है। देखें, जब भी कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो रिगार्डिंग इट्स बेसिकली एजुकेशनल मार्केट और एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़, और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो यू शुड वेट एंड वॉच। जो लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं वो लाइफ में कभी भी नाकाम नहीं होते हैं, और जो लोग जज्बात में आके जल्दबाजी से फैसले लेते हैं डेफिनेटली जल्दी का फैसला हमेशा गलत ही होता है। और मार्केट में देखें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी क्या है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक हैं उन्हें तो लिस्ट से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो उन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन नज़दीक है, ये उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेनी चाहिए। जो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक हैं डेफिनेटली उनकी यूनिवर्सिटीज़ के पास 4 साल हैं कि वो अपनी एक्रेडिटेशंस को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ये लाइब्रेरी आ गई है, अभी ये क्लोजिंग टाइम तक क्लोज हो गई होगी। हमारा ये है कि जैसे स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट को हम ये नहीं कहते कि आप बुक्स वगैरह पाकिस्तान से लेके आएं, टोटल बुक्स जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जितनी उसे बुक चाहिए हो वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। फिर स्टूडेंट कुछ ऐसे आते हैं जो लैंग्वेजेस के लिए मुश्किलात उनके लिए पैदा होती है, अगर उनको लेक्चर के अंदर नहीं समझ आती, ये हमने लैंग्वेज रूम है, यहाँ पे टीचर्स हमने हायर किया हुआ है, हर टाइम मौजूद होता है वो, जो भी स्टूडेंट को लैंग्वेज का इशू आ रहा है वो यहाँ पे उनको बहुत तरतीब से लैंग्वेज के लिए क्लासेस सेपरेट देगा, चाहे एक स्टूडेंट है चाहे दो है, जितना भी सीखना चाहे लैंग्वेज के लिए सेपरेट करवाएगा वो। ये अगर आप देखें तो ये लेक्चर रूम 1 है और ये हमारे पास स्मॉल लेक्चर रूम है, जैसे कि अभी जो मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका लेक्चर्स होता है, स्टूडेंट कम हैं उनको फिर यहाँ बिठा के यहाँ लेक्चर, यहाँ का आप आउटर व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये चीज़। यहाँ पे टोटल फिजियोलॉजी का हो या अनाटमी का या पैथो का कोई भी हो, ये हमने मिनी लेक्चर रूम बनाया हुआ है। ये हमारे पास है दूसरा लेक्चर रूम, ये बिग लेक्चर रूम है, यहाँ पे वो स्टूडेंट है जो अभी थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है, वो स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, और ऐसा करवाया जाता है कि लेक्चर्स के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म करके स्टूडेंट दिखाते हैं
मटीरियल एक एक स्टूडेंट्स को बुला के पहले टीचर्स हमारे लेक्चर्स देते हैं, लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट किसको समझ ज़्यादा आई है किसको नहीं है, स्टूडेंट जब एक आके यहाँ पे परफॉर्म करता है बाकी फिर पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं। इस तरह हमारे पास फिर ये प्रैक्टिस क्लासेस आ गई, ये भी हमारे पास प्रैक्टिस क्लास है, ये भी प्रैक्टिस क्लास है, ये हमारे पास है केमिकल रूम, इसके अंदर हमने टोटल केमिकल्स रख के स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं टोटल यहाँ पे वर्क्स। और ये हमारा हमने बनाया हुआ स्पेशल सिर्फ हार्ट के लिए, जो हार्ट की स्टडी ज़्यादा करना चाहते हैं उनको, कार्डियो के लिए ना स्पेशल, हाँ कार्डियक सिस्टम के टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्म भी हुआ है। कार्डियो वाले स्टूडेंट्स को इधर बुला के उसमें हम ये कवर करवाते हैं सिस्टम वाइज है, सिस्टम सिस्टम हाँ, एक एक सिस्टम की सेपरेट, अगर जैसे कहते हैं कार्डियो वस्कुलर सिस्टम चल रहा है तो उसकी इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसकी सेपरेट हमने बनाई हुई है। ये हमने साथ अपनी कंप्यूटर लैब बनाई है, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा के ही आगे कंप्यूटर लैब्स है हमारी इधर भी और इस साइड पे भी, ये कंप्यूटर लैब बनाई है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, पेज पे कैसे एडिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ सिखाई। इसके अंदर हम अगर हम देखें तो ये हमारा ये ऑफिसेज मौजूद हैं, ये हमारी आरएमयू की मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे अगर आप सीन करें तो ये हमारा आरएमयू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये हमारे रॉयल के स्टूडेंट हैं प्यारे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? और ये हमने आरएमयू के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये बैंक बनाया हुआ है कि जैसे कि स्टूडेंट आता है उससे मनी कवर नहीं होती, हॉस्टल्स के अंदर चोरी हो जाती है, मिस उसके लिए हमने सेफ्टी के लिए बैंक बनाया हुआ है, यहाँ पे अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं, स्टूडेंट वगैरह अपनी मनी यहाँ रखवाए, जब उसे ज़रूरत हो वो निकाल के अपनी पे कर सकता है। ये सिर्फ ये सिर्फ रॉयल के स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारा जो नीचे टोटल स्टाफ बैठा है, ये मैनेजमेंट वाला खुराना ITC, ये चीज़ें जो देखने वाला है ना बिल्डिंग के हालात वगैरह, ये हमने बुलाया हुआ है, ठीक है? या नमाज़ वगैरह अगर स्टूडेंट्स आते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने, उनके लिए सेपरेट एक रूम दिया हुआ है। हाँ जी,